सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। मैं कई दिनों से लगातार योगी आदित्यनाथ की बात जरूर कर रहा हूं, कई कार्यक्रम में मैं उनका नाम जरूर ले रहा हूं। एक मुख्यमंत्री की तरह बोलते हुए क्यों नहीं दिखाई देते हैं। मैं उनका लगातार सम्मान करना चाहता हूं, सम्मान करता भी हूं, लेकिन कुछ उनके ऐसे बयान सामने आ जाते हैं जिनकी व्याख्या और खंडन करते वक्त बिल्कुल ऐसा लगता है कि वह एक चीफ मिनिस्टर की तरह बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब भी उसी सांसद की तरह बात कर रहे हैं जो और चीफ मिनिस्टर बनने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हो, भड़काऊ भाषण दे रहा हो। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के हैं तो आपसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है, आप सबके बयान एक जैसे ही आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही कोरोना संकट को लेकर तबलीगी जमातियों पर जब निशाना साधा जा रहा था, कहा था उन्होंने कि किसी धर्म या समुदाय को निशाना न बनाया जाए, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में योगी आदित्यनाथ फिर से वही कार्य करते नजर आ रहे हैं, तबलीगी जमातियों को फिर से निशाना बना रहे हैं। इस वक्त हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था अपने एक ट्वीट में कि प्रधानमंत्री मोदी हैं बहुत ज़्यादा दूरदर्शी हैं, दूरदर्शिता उनकी अपार है, उनकी तारीफ करते हुए नज़र आ रहे थे। तो जो किसी की दूरदर्शिता को पहचान जाता है तो यानी उस पर भी कुछ ना कुछ तो दूरदर्शिता होगी, ज्ञान पहचानना भी इतना आसान नहीं है, तो उन्होंने उनके ज्ञान को पहचाना। लेकिन मौजूदा समय में आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ दोस्ती कर ली है और हमने चीन के साथ एक बैर कर लिया है, जबकि चीन से हमारा बैर ख़त्म था, शांति चल रही थी। तो तब क्या दूरदर्शिता खत्म हो गई थी प्रधानमंत्री मोदी की और चीफ मिनिस्टर योगी की, या सारा समय योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ इस बात को लेकर बिताया कि आखिर तबलीगी जमात से यह वायरस किस किस तरह से फैला है पूरे देश में, शायद इसका कोई एक बड़ा चार्ट बनाया होगा और भविष्य में शायद दिखाएंगे भी। तो उस बात को कैसे नहीं पहचान पाए कि ट्रंप तो चीन के साथ सारे रिश्ते अब अपने फिर से बरकरार रखेंगे जो तोड़ दिए थे, और हम यहाँ बीच में बलि का बकरा बनते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगातार आपको फुर्सत ही नहीं है हिंदू और मुसलमान करने से। आप देखें कि किस तरह मनोज तिवारी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नज़र नहीं आए, क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ रहे थे मैदान में, जो सैनिटाइज नहीं किया गया था। अभी मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के जो आदेश गुप्ता हैं उनकी ताजपोशी हो रही थी, तो वहाँ भी भीड़ थी, बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का तस्वीरों से जैसे लग रहा है जितना 6 फीट दूर रहने की इजाज़त दी गई है तो 20 फीट कर दी गई है। और पब्लिक में बाहर भी देखिए सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं है, और लगातार योगी आदित्यनाथ को याद तबलीगी जमात वाले आते हैं। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, अगले चुनाव के लिए अभी से मसौदा बनाया जा रहा है या बिहार चुनावों को लेकर लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। भड़काऊ बयान को लेकर भी या भड़काऊ न्यूज़ भी आज के समय में क्या है वह भी सरकार तय करती है। गोली मारो सालों को भड़काऊ नहीं हो सकता है, और यदि आप आकर सच्चाई बोलें कैमरे के सामने तो यह भड़काऊ न्यूज़ हो सकती है, आप समाज को भड़का रहे हैं, भले उसके बाद दंगा ना हो। इस संबंध में अपनी राय अवश्य देते हुए चले कमेंट सेक्शन में, कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।